नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीबीसी फिल्मी। आदिपुरुष के एडवांस बुकिंग शुरू हो चुके हैं। रविवार को फिल्म के एडवांस बुकिंग स्टार्ट होते ही करीब 36,000 टिकट्स बिक गए। ये आंकड़े कल रात 11:30 बजे तक थे। 36,000 टिकट्स की वैल्यू की बात की जाए तो फिल्म ने सिर्फ हिंदी भाषा में एडवांस बुकिंग से 1.35 करोड़ रुपये कमा लिए। तेलुगु वर्जन की बात करें तो फिल्म ने 20 लाख रुपये का एडवांस कलेक्शन किया है। हालांकि तमिल और मलयालम वर्जन से अभी कुछ खास आंकड़े देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल देखें तो फिल्म के पहले दिन का एडवांस कलेक्शन 1.6 करोड़ रुपए है। फिल्म 16 जून को रिलीज हो रही है, उस हिसाब से अभी 4 दिन बचे हैं और ये आंकड़े अभी और ज़्यादा बढ़ेंगे। कोई मुई की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन सिर्फ 6 घंटे में 18,000 टिकट्स बिक गए थे। कोरोना महामारी के बाद आदिपुरुष उन फिल्मों में शुमार हो गए जिसकी एडवांस बुकिंग काफ़ी ज़्यादा थी। पठान, ब्रह्मास्त्र और KGF 2 जैसी फिल्में भी इस लिस्ट में शुमार हैं। एडवांस बुकिंग के मामले में पठान ने रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म के पहले दिन ही एडवांस बुकिंग की बात करें तो इसने कुल 3,500,000 टिकट बिके थे। इस हिसाब से कलेक्शन 18 से 20 करोड़ रुपए के बीच में था। इसके अलावा KGF 2, ब्रह्मास्त्र और वॉर में भी 20 करोड़ रुपए सिर्फ एडवांस बुकिंग से निकाले थे। गौर वाली बात यह है कि ये आंकड़े सिर्फ पहले दिन के एडवांस बुकिंग के थे। आदिपुरुष का बजट तकरीबन 500 करोड़ है। ये अभी तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। 500 करोड़ रुपये में बनने वाली इस फिल्म को मुनाफा कमाने की बड़ी चुनौती भी है। अब फिल्म का बजट इतना बड़ा है तो कलाकारों ने फीस भी काफ़ी तगड़ी ली होगी। स्टार कास्ट की फीस का सवाल है तो इसे लेकर कई रिपोर्ट सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास ने फिल्म के लिए 100 करोड़ से भी ज़्यादा फीस चार्ज की है। वही फिल्म में लंकेश का किरदार निभाने वाले एक्टर सैफ अली खान ने 12 करोड़ दिए हैं। कृति सैनन ने 3 करोड़, वहीं लक्ष्मण बने एक्टर सनी सिंह ने 1.5 करोड़ रुपये की फीस चार्ज की। फिल्म में सोनाल चौहान का भी अहम रोल है, उन्होंने फिल्म के लिए 50 लाख का चार्ज किया है। आप मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट में ज़रूर बताएं।